बीच रायपुर से हम खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव के लिए एआईसीसी ने बनाया है कोऑर्डिनेटर। रायपुर लोस के लिए कन्हैया अग्रवाल को बनाया गया है कोऑर्डिनेटर। बस्तर लोकसभा के लिए हेमंत ध्रुव बनाए गए हैं कोऑर्डिनेटर। वहीं संत राम नेताम को कांकेर लोस की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये नियुक्तियां की हैं। हम खबर आपको बता दें, संत राम नेताम को कांकेर, वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये नियुक्तियां की हैं। कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। एआईसीसी ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। रायपुर लोस के लिए कन्हैया अग्रवाल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्योंकि कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है तो जिम्मेदारियां जाहिर तौर पर तय की कर दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार जुटी हुई नजर आ रही। पहले ही ऑब्जर्वर सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए तय कर दिए गए थे। अब तीन लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर बनाया। रायपुर लोकसभा की जिम्मेदारी कन्हैया अग्रवाल को दी गई, जबकि बस्तर में हेमंत ध्रुव को लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। कांकेर में पूर्व विधायक संत राम नेताम को जिम्मेदारी दी गई। तो तीनों लोकसभा सीटों को कांग्रेस ने जीतने के लिए, मेहनत करने के लिए, वहां पर समन्वय स्थापित करने के लिए तीन नेताओं को जिम्मेदारी दी है। कांकेर और बस्तर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण इस समय हो चुकी है, क्योंकि बस्तर में दीपक बैज वर्तमान में सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर साख दांव पर लगी हुई है कांग्रेस की, तो वहां पर जिम्मेदारी दी गई है हेमंत ध्रुव और संतराम नेताम को। जबकि रायपुर में भी बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पिछले 8 चुनावों से यहां पर जीत नहीं सकी। ऐसे में कन्हैया अग्रवाल को यहां पर जिम्मेदारी दी गई, बेहतर समन्वय के लिए उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया। जी तो बिल्कुल, कांकेर और बस्तर के लिए तो नियुक्तियां कर दी गई, और देखना होगा अब आने वाले समय में और कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र होते हैं जिनके लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।